ईद के दिनों में हम दो किस्म के समा देखते हैं कुछ घरों में तो बड़ी खुशियां हैं और जनाब बहुत इंजॉय करते हैं वो लोग मगर कुछ ऐसे गरीब घराने भी होते हैं जो उस दिन अफसुर्दा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते उन्हें अच्छे खाने नहीं खिला सकते कोई महंगे तोहफे नहीं दिला सकते हमें चाहिए जिनको अल्लाह ने नवाजा है कि जहां अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए कीमती चीजें खरीदते हैं अच्छे तोहफे खरीदते हैं कुछ ऐसा करें कि कुछ और लोगों की ईद भी अच्छी हो जाए लेकिन वो लोग जो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन ईद का सामान नहीं खरीद सकते आज मैं उनके दिलासे के लिए एक शानदार वाकया सुनाने जा रहा हूं और ये वाकया हम सबके लिए बड़ा शानदार दर्श रखता है हजरत उमर जो अमीर उलमोमीन है खलीफतुल मुसलमिन है ईद का दिन था और अपने बेटे को पुरानी कमीज पहने हुए जब देखा तो आप रो पड़े बेटे ने कहा कि अब बदन आप क्यों रो रहे हैं तो आपने फरमाया बेटा मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन तुम्हारे पुराने कपड़े देखकर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा क्या शानदार तरबियत की थी आपने बेटे की वो बेटा कहता है कि अब्बा जान दिल तो उसका टूटे कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो या उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो या माँ बाप की नाफरमानी की हो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि मैंने आपकी फरमा बरदारी की है और वालदान की फरमा बरदारी की बरकत से मेरा रब भी मुझसे राज़ी हो जाएगा जब हजरत उमर रजी अल्लाह देखा तो आप फिर रो पड़े और मोहब्बत से अपने बेटे को सीने लगा लिया अकबर ये कैसे लोग थे अमीरबिन थे मगर कितना ख्याल था वक्फ के माल का कभी जतीी इस्तेमाल में एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना पैसे खर्च नहीं किए उनके बेटे के पास पुराने कपड़े थे ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है और क्या सादगी थी उनकी और यहां उन लोगों के लिए भी दिलासा है कि अगर आप इस बार अपने बच्चों के लिए कीमती लिबास नहीं खरीद सके कोई अच्छे तोहफे नहीं देख सके तो गमजदा ना हो इन अल्लाह की रजा पर राज़ी रहें अगले सालों में और बेहतरी आ जाएगी और वो बच्चे या वो फैमिली वाले जिनको घर के बड़े या अबू जान अच्छे तोहफे या अच्छे कपड़े ना दिला सके तो उनको प्रेशर ना दें अपने अब्बू को ज़्यादा तंग ना करें क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है आपके कहने से उन पर और प्रेशर पड़ जाएगा वो और यूं समझिए कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए और डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहिए अल्लाह बहुत करीम है इंशाला इस सादगी का इस कानाथ का वो बेहतरीन आपको अजरता फरमाएगा इन